हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उषा क्यूजीन पर। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल सही, रसभरी जलेबियाँ। यदि आप बिगनर हैं तो आप भी आसानी से ये इंस्टेंट जलेबियाँ बना सकते हैं। मैं इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी भी जलेबियाँ परफेक्ट बने, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा, 1/2 कप कर्ड, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी मेजरमेंट मैं सेम कप से बता रही हूँ, आप भी मेजरिंग के लिए एक कटोरी या कप सेट कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालकर मिक्स करें, एक साथ पानी ज़्यादा डाल देंगे तो बैटर पतला हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल स्मूथ रिबन जैसा बैटर तैयार हो गया है। जलेबी के लिए बैटर बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब जलेबी के लिए पहले चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक डीप वेसल लेंगे जिससे जलेबी को डिप करने में आसानी हो। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 3 कप शक्कर लिया है और 3 कप शक्कर में 1.5 कप पानी डालेंगे, यानी जितनी शक्कर है उसका 1/2 प्रोपोर्शन में पानी होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, ताकि हमारी जलेबियाँ बिल्कुल हलवाइयों की जलेबियों जैसी दिखे। मैं चाशनी में थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ, इससे क्या होगा कि चाशनी जमेगी नहीं और जलेबियाँ रसीली बनेगी। चाशनी बिल्कुल तार वाली नहीं बनाना है, बस इसमें बॉईल आ जाए और यह हल्की चिपचिपी हो जाए तभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब जलेबियाँ फ्राई करने के लिए लेंगे पैन। पैन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे जलेबियाँ बनाने के लिए स्पेस अच्छा मिलता है और उसका शेप भी अच्छा आता है, और ऑयल इतना लेंगे जिससे जलेबियाँ अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने लगभग आधा पैन ऑयल लिया है, आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब बैटर को जलेबी बनाने के कीप में भर देंगे। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक के कोन से भी बना सकते हैं। अब फ्लेम को लो करके ऑयल का टेम्परेचर मीडियम करेंगे और फिर जलेबियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लो फ्लेम पर जलेबियाँ बनाएंगे तो ये फूलेगी नहीं और फ्लैट बनेगी, और ज़्यादा हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो यह ज़्यादा फूल कर जल जाएगी, इसीलिए गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब ये फूलकर ऊपर आ चुकी है, अब इसे पलट देंगे। अब ये क्रिस्प हो चुके हैं, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसे सीधा गरम गरम ही चाशनी में डालेंगे, क्योंकि अगर जलेबियाँ चाशनी में डालने के पहले ठंडी हो गई तो ये चाशनी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इसलिए जलेबी और चाशनी दोनों ही गर्म होनी चाहिए। इसे 15 से 20 सेकेंड तक चाशनी में डिप करके रखेंगे और फिर तुरंत ही निकाल लेंगे। तो सेम प्रोसीजर से सारे लॉट्स को तैयार कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ जलेबियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है।
ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से रस भरी है। तो आ गया ना मुंह में पानी। तो आप भी ये इंस्टेंट जलेबी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी जलेबियाँ कैसी बनी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।